हरि ओम जयतु संस्कृतम सर्वेभ्य नमो नमः। सबको मेरा नमस्कार। आज हम प्रार्थना सभा में संस्कृत में संबोधन करना ऐसे शब्दों के विषय में जानेंगे। दक्षः, दक्षः का अर्थ होता है सावधान। जैसे विद्यालय दक्षः, विद्यार्थियों को बोला जाएगा कि सावधान। विश्रमः अथवा आरमः, इसका अर्थ है विश्राम। वामवृतः, बाएं घूमना। दक्षिणवृतः, दाहिने घूमना। अर्धवृतः, पीछे मुड़ना। प्रचलः, चलना। प्रचलः, चलना। क्षिप्रः, चलः, दौड़ना। मित तालः, कदम ताल करना। सतवः, सतवः, रुकना या खड़े होना। उपविशः, बैठना। उतिष्ठः, खड़े होना। कुरु, करना, प्रारंभ करना। प्रतिसरः, पीछे हटना। पुरसरः, आगे बढ़ना। दक्षिणसरः, दाईं ओर हटना। वामसरः, वाईं ओर हटना। प्रार्थनाय अवस्था, प्रार्थना के लिए अवस्था। प्रार्थना कुरु, प्रार्थना शुरू करो। प्रतिज्ञाय अवस्था, प्रतिज्ञा के लिए अवस्था। प्रतिज्ञा कुरु, प्रतिज्ञा शुरू। इस तरह से प्रार्थना सभा में संस्कृत में संबोधन करने के कुछ शब्दों के विषय में मैंने समझाया।